हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन केडी क्लासेस। पिछले जो हमारे दो लेक्चर्स थे उसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की थी, ठीक है। जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने जो है वो होमोजाइगस जो था हमारा, ठीक है, डोमिनेंट होमोजाइगस जिसे हम कह सकते हैं, या प्योर टॉल जो है उसका क्रॉस हमने रिसेसिव होमोजाइगस के साथ करवाया था, जिसे हमने पेरेंटल जनरेशन नाम दिया था, ठीक है। अब उन दोनों का क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास हाइब्रिड टॉल जो है वो जनरेशन आई थी, हाइब्रिड टॉल जनरेशन आई थी, ठीक है, F1 जनरेशन जिसे हमने नाम दिया था। अब हमने क्या किया, सेकेंड लॉ में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या किया था कि हमने पढ़ा F1 जनरेशन से जब गैमिट्स बनते हैं तो दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। फिर हमने पढ़ा कि दोनों जो एलील्स हैं वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इसलिए हमने उसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स कहा। फिर हमने पढ़ा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F2 जनरेशन होती है, उस F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो रहता है वो 3:1 रहता है। 3:1 में टॉल प्लांट्स जो थे वो 3 थे, ड्वार्फ प्लांट जो थे वो 1 था, ठीक है। फिर हमने जीनोटाइप की बात की। जीनोटाइप में हमने पढ़ा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का जीनोटाइप जो होता है वो 1:2:1 रहता है, ठीक है, जिसमें 1 जो प्लांट है हमारे पास वो क्या रहेगा, होमोजाइगस टॉल रहेगा, जो 2 प्लांट है हमारे पास वो हाइब्रिड टॉल रहेंगे, और 1 प्लांट जो है वो हमारे पास रिसेसिव होमोजाइगस रहता है। ये सब बातें हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर्स तक। आज हमें बात करनी है बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस क्या होता है, देखिए बैक क्रॉस होता है कि जब आप F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करवाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पेरेंटल जनरेशन में हमने 2 होमोजाइगस यूज लिए थे, ठीक है, एक डोमिनेंट होमोजाइगस था, एक रिसेसिव होमोजाइगस था। तो आप इस F1 जनरेशन का क्रॉस यदि इन दोनों किसी भी पेरेंट्स के साथ करवाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन विथ एनी वन पेरेंट, ठीक है, F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ आप यदि करवाते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे, ठीक है। अब बैक क्रॉस जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स में है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है, देखिए यदि आप F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हैं, F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हैं, मतलब जो है टॉल होमोजाइगस टॉल, डोमिनेंट पेरेंट बोल सकते हैं आप या होमोजाइगस टॉल बोल सकते हैं, उसके साथ करवाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आउट क्रॉस नाम देते हैं। और यदि F1 जनरेशन का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं मतलब जो ड्वार्फ होमोजाइगस है, ड्वार्फ होमोजाइगस है उसके साथ करवाते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आउट क्रॉस में कैसे क्या होगा, हम बात करें, ये हमारा F1 जनरेशन है, हाइब्रिड टॉल था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये हाइब्रिड टॉल था। दूसरा हमारे पास होमोजाइगस था डोमिनेंट पेरेंट, दोनों के साथ हमने क्रॉस करवाया, दोनों के साथ क्रॉस करवाया तो एक जनरेशन हमारे पास आती है, ठीक है, ये वाली जिसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट होमोजाइगस। दूसरी जनरेशन हमारे पास वापस डोमिनेंट होमोजाइगस आई, ठीक है। तीसरी जो जनरेशन, ये जो नेक्स्ट जो हमारे पास आया ऑफस्प्रिंग, वो हाइब्रिड टॉल था, और उससे नेक्स्ट जो आया वो भी हाइब्रिड टॉल था, ठीक है। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्रॉस किस तरह से करवाया जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो देखिए क्रॉस किस तरह से आप करवाएंगे, सिंपल सा तरीका है, जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं मैथ्स में वही तो है, कुछ स्पेशल थोड़ी ही है। देखिए क्या, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक जनरेशन है, ये आपकी दूसरी जनरेशन है। आप सपोज कीजिए आपको इसको इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों हो गए कैपिटल टी। फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वापस से क्या हो गए, दोनों कैपिटल टी हो गए। फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो गया, और आपने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वापस से एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो गया। ये हमारा क्रॉस करवाने का मेथड रहता है, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमने जब इन दोनों का F1 जनरेशन का क्रॉस टॉल प्लांट के साथ करवाया
होमोजाइगस के साथ करवाया, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो क्या थे, देखिए जो हमारे पास रिजल्ट आए वो रिजल्ट्स थे, फिनोटाइप रेशियो जो था 100% टोल। देखिए ये प्योर टोल है, ये प्योर टोल है, ये हाइब्रिड टोल है, ये हाइब्रिड टोल है, लेकिन हैं तो टोल ही। फिनोटाइप में हमने क्या कहा, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में क्या है, हमें बाहर से प्योर या इम्प्योर का, हाइब्रिड का कुछ पता नहीं लगने वाला, हमें तो बाहर से टोल ही पता लगेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि आउटक्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो 100% टोल होता है। एग्जाम में एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, आउटक्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 100% टोल होता है, जबकि आउटक्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या है, देखिए अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का अलग अलग है, ये दो सेम है, ये दो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि 50-50, 2-2 है ना, तो 1-1 बोल दीजिए, 2-2 बोल दीजिए, 50-50 बोल दीजिए, ठीक है। तो आउटक्रॉस का जो जीनोटाइप रेशियो है वो 1:1 या 50:50, ठीक है। 50% प्लांट तो क्या थे, 50% प्लांट तो हैं प्योर टोल, और 50% प्लांट क्या है, हाइब्रिड टोल है, मतलब 50% टोल, 50% तो होमोजाइगस है, 50% हेटेरोजाइगस है, ठीक है। ये तो था हमारा आउटक्रॉस। आउटक्रॉस के बाद हमारे पास जो दूसरा आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हमें, हमने डेफिनेशन में पहले ही पढ़ा कि F1 जनरेशन की का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाएंगे। F1 जनरेशन का क्रॉस जब हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाएंगे तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अब ये हमारा ये लोग F1 जनरेशन हो गया, जिसे हेटेरोजाइगस भी हमने कहा है। दूसरा हमारा रिसेसिव, जिसमें दोनों स्मॉल टी थे, क्योंकि रिसेसिव क्या था, स्मॉल टी था, तो दोनों होमोजाइगस बोल दीजिए या रिसेसिव पेरेंट बोल दीजिए, इसका क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाया कैसे करवाएंगे, क्रॉस आपको बताया हुआ है, वापस हम बात कर लें एक बार थोड़ी सी, कैसे करेंगे हम क्रॉस, इस तरह से करेंगे। देखिए ये हमारी F1 जनरेशन है, ये हमारी रिसेसिव जनरेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया, इसके साथ किया, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, मतलब हाइब्रिड टोल। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, तो वापस एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो वापस से हाइब्रिड टोल। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो ये भी स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी हो गए, मतलब ड्वार्फ। और इसका क्रॉस वापस इसके साथ करवाया, तो ये भी क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, मतलब हमारे पास क्या है, दो हाइब्रिड टोल प्लांट आए और दो क्या है, ड्वार्फ प्लांट आ गए, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में हमने F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाया, तो हमें फिनोटाइप रेशियो जो मिला, फिनोटाइप रेशियो में क्या था, 50% टोल, 50% ड्वार्फ। देखिए ये 50% टोल प्लांट है, ये 50% ड्वार्फ प्लांट है। और जीनोटाइप में भी क्या है, जीनोटाइप में भी 50-50 है, क्योंकि 50% हाइब्रिड टोल हैं और 50% ड्वार्फ हैं, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग है और फिजिकल अपीयरेंस में भी अलग है, तो इसलिए टेस्ट क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो रहता है वो 50% टॉल रहता है, 50% ड्वार्फ रहता है, जबकि जीनोटाइप रेशियो जो होता है वो 50% हेटेरोजाइगस टॉल होता है, 50% होमोजाइगस ड्वार्फ होता है। ये हमारे पास दो क्रॉस रहते हैं, बैक क्रॉस के टाइप्स हैं, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। और ये यहाँ हमारा जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो कंप्लीट होता है। यहाँ कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास थ्री लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट टू लॉज हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेस्ड हैं, फर्स्ट दो टू लॉज हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेस्ड हैं, और जो लास्ट लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस बेस्ड है। मींस क्या कि थर्ड लॉ को समझने के लिए हमें टू कैरेक्टर्स की हेल्प चाहिए, टू कैरेक्टर्स की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ को समझ पाएंगे, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें सिंगल कैरेक्टर जो है वो सफिशियंट रहता है, इसलिए हम उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, उसका क्या फिनोटाइप रेशियो रहेगा, क्या जीनोटाइप रेशियो रहेगा, ठीक है। आज के लिए अलविदा, आई होप सभी को ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। बेटा घर पे इन सब की रेगुलर एक्सरसाइज आप करते रहें, ठीक है। मैं
थोड़े दिन में कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन जब तक आपको मैं एक्सरसाइज प्रोवाइड नहीं कराता हूँ तब तक आप अपने लेवल पर एक्सरसाइज जो है वो करते रहें, ताकि आपका जो एक लेवल है वो 10th के अकॉर्डिंग मेंटेन रहे, ताकि हम 10th एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट ला सकें, अच्छे मार्क्स जो हैं अपने पेरेंट्स की होप, जो अपने टीचर्स की होप है, मेरी होप है, उसे मेंटेन रख सकें। इसलिए आप अपनी एक्सरसाइज घर पे करते रहें, साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को रेगुलर देखते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।